नमस्कार, मैं हूं शशि। आइए झारखंड के टॉप 25 प्रमुख खबर जानते हैं। 1 अप्रैल को जेपीएससी घेराव स्थगित, नहीं मिली अनुमति। जेपीएससी कार्यालय घेराव को स्थगित कर दिया गया है। 1 अप्रैल को अभ्यर्थियों ने जेपीएससी कार्यालय घेरने का ऐलान किया था। रांची अनुमंडल पदाधिकारी कार्यालय ने घेराव करने की अनुमति देने से इनकार कर दिया है। उपरोक्त बातें झारखंड यूथ एसोसिएशन के अध्यक्ष इमाम सफी ने प्रेस वार्ता कर बताया। उन्होंने आगे कहा है कि हम लोगों ने आवेदन में लिख कर दिया था कि किसी भी राजनीतिक पार्टी का इसमें किसी प्रकार का कोई दखल नहीं है और किसी को आने भी नहीं दिया जाएगा। इसके बावजूद भी अनुमति नहीं मिली। इससे आगे कहा है कि हमारे मौलिक अधिकारों का हनन किया गया है। देश की राजधानी दिल्ली में राजनीतिक पार्टियों की रैली और जनसभा हो रही है, वहीं हम लोगों को अपने अधिकार की बात रखने के लिए अनुमति नहीं दी गई है। झारखंड झुकेगा नहीं, कल्पना सोरेन ने दिल्ली से भरी हुंकार। पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन लगातार विपक्षी गठबंधन की रैलियों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा रही है। इसी क्रम में उन्होंने रविवार को नई दिल्ली के रामलीला मैदान में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के विरोध में आहूत रैली को संबोधित किया। उल्लेखनीय है कि मुंबई में हाल ही में संपन्न रैली में भी कल्पना सोरेन ने भाग लिया था। उन्होंने कहा है कि वह आधी आबादी और 9% आदिवासी समाज की ओर से बात रख रही है। हुल जोहार से संबोधन आरंभ करते हुए उन्होंने आरोप लगाया है कि भारत में बाबा साहब के संविधान की गारंटी को एनडीए सरकार नष्ट कर रही है। आखिर संविधान की गारंटी कौन लेगा? संवैधानिक संस्थाओं, लोकतांत्रिक मूल्यों को तहस नहस किया गया है। रैली में मौजूद लोगों को उन्होंने विपक्षी गठबंधन की ताकत बताया। कल्पना सोरेन ने कहा है कि 31 जनवरी से हेमंत सोरेन जेल में है, 10 दिन से केजरीवाल जेल में है, उन पर लगे आरोप साबित नहीं हो सके हैं। हेमंत और केजरीवाल को झूठे केस में फंसाया चंपाई सोरेन। दिल्ली में इंडिया गठबंधन की रैली में झारखंड के मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन ने कहा है कि हेमंत सोरेन को झूठे केस में फंसाया गया है। ऐसे जमीन के मामले में उन्हें फंसाकर जेल भेजा गया जिसका कोई न तो कागज है न ही कोई प्रमाण। लेकिन झारखंड के आदिवासी दलित पिछले वर्ष को हेमंत सरकार ने उठाने का काम किया तो बीजेपी के पेट में दर्द शुरू हो गया। हमारे पूर्वजों ने यही लड़ाई झारखंड में लड़ी है। सीएम चंपाई ने आगे कहा है कि यहां से पूरा देश में संदेश जाएगा कि हम सब एक हैं। तानाशाह सरकार बीजेपी के विचार को हम प्रदेश या देश में किसी भी कीमत पर पनपने नहीं देंगे। इसी चुनाव में वोट के माध्यम से हम लोग जवाब देंगे। चंपाई सोरेन ने दावा करते हुए अरविंद केजरीवाल को भी इसी तरह झूठे केस में फंसाया गया है। उन्होंने कहा है कि जो न्याय के रास्ते में जाते हैं उनको विधान बाधा आती है, लेकिन हम लोग संघर्ष की उपज हैं, घबराते नहीं हैं। हम सब मिलकर तानाशाही समाप्त कर लोकतंत्र बचा कर रहेंगे। गिरिडीह डकैती कांड में 4 अपराधी गिरफ्तार। गिरिडीह जिले के ताराटांड थाना क्षेत्र के नवादा गांव में विगत 19 मार्च को हुए डकैती की घटना का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। इस घटना में शामिल पूर्व नक्सली एरिया कमांडर मिथिलेश मंडल सहित 4 अपराधियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। जानकारी के अनुसार नवादा गांव में 10 से 12 अपराधियों ने हेमलाल मंडल के परिवार वालों को बंधक बनाकर 5 लाख रुपए नगद और सोने ले गया था। इस घटना के उद्भेदन को लेकर एसपी दीपक कुमार शर्मा ने एसडीपीओ विनोद रवानी के नेतृत्व में एक टीम का गठन किया था। टीम ने घटना में शामिल पूर्व नक्सली एरिया कमांडर मिथिलेश मंडल, ग्राम मरकोडी सबीर अंसारी, ग्राम पांडे डी किशोरी साव, ग्राम गांधीनगर तीनों गांडे थाना क्षेत्र और मुन्ना प्रसाद वर्मा ताराटांड थाना क्षेत्र के चौरा गांव का रहने वाला है। चाईबासा में नक्सलियों की पोस्टरबाजी, वोट बहिष्कार करने की अपील। चाईबासा का टोटो थाना इलाका नक्सल प्रभावित क्षेत्र है। यहां शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव कराना पुलिस प्रशासन के लिए चैलेंज होता है। बता दें, लोकसभा चुनाव शांतिपूर्ण हो इसके लिए पुलिस प्रशासन की टीम लगातार काम कर रही है, लेकिन नक्सलियों ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई है। पोस्टरबाजी कर जनता से चुनाव बहिष्कार करने की अपील की है। टोटो प्रखंड के लीसी मोती, पराई बेड़ा, डुमुर जुआ, बालुया और छोटा लुया समेत कई इलाकों में पोस्टर लगाया गया है। नक्सलियों ने पोस्टर बैनर लगाकर लोगों से वोट नहीं देने की अपील की है। नक्सलियों ने पोस्टरबाजी के जरिए लोगों में दहशत का माहौल पैदा करने की कोशिश की। पुलिस इस मामले में कुछ भी बोलने से परहेज कर रही है। हालांकि पुलिस प्रशासन की पूरी कोशिश है कि जनता भयमुक्त वातावरण में लोकसभा चुनाव में मतदान करे और देश लोकतांत्रिक रूप से मजबूत करे। सोरेन परिवार के इशारे पर नहीं चले मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन बाबूलाल मरांडी। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी ने सोशल मीडिया मंच
एक्स पर पोस्ट के माध्यम से राज्य के मुख्यमंत्री चंपई सोरेन पर निशाना साधा। मरांडी ने कहा है कि शिबू सोरेन के परिवार के इशारे पर मुख्यमंत्री चंपई सोरेन नहीं चले। इंडिया गठबंधन की रैली लोकतंत्र बचाने की नहीं बल्कि परिवारवाद, भ्रष्ट तंत्र और भ्रष्टाचारियों को बचाने की मुहिम है। उन्होंने कहा है कि अफसोस है कि चंपई सोरेन पारिवारिक आंदोलनी महाभारत की परिस्थिति व सोरेन परिवार की अनुकंपा पर मजबूरी में मुख्यमंत्री बनाए गए हैं और इस परिवार के इशारे पर ही चल रहे हैं। बाबूलाल मरांडी ने कहा है कि दिल्ली में स्वांग रचने से बेहतर होता कि वे झारखंड के छात्रों की समस्या का निदान करते, जेपीएससी जेएसएससी परीक्षा में धांधली करने वाले लोगों के साथ सख्ती बरतते, उन्हें जेल भेजते, राज्य के मन्ना संत कानून व्यवस्था की समीक्षा कर उसे सुदृढ़ करते। मरांडी ने कहा है कि यदि मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन ने अपने क्रियाकलापों में सुधार नहीं किया और उसी राह पर चलते रहे तो वो दिन दूर नहीं जब उन्हें भी होटवार जाना पड़ सकता है। झारखंड के सरकारी स्कूलों में जल शक्ति अभियान शुरू। झारखंड के सरकारी स्कूलों में जल शक्ति अभियान शुरू हो गया है। यह अभियान 22 मार्च से कैच द रेन के नाम से शुरू हुआ है। इस अभियान में वर्षा जल संचयन, जल संरक्षण, उसकी गणना, जियो टैगिंग और सभी जल निकायों की सूची बनाने पर केंद्रित है। स्कूल के छात्र छात्रा समुदाय के सबसे गतिशील और प्रभावशाली वर्ग का प्रतिनिधित्व करते हैं। यह सामाजिक व पर्यावरणीय परिवर्तन लाने में सक्षम है। जल जीवन मिशन के तहत असम राज्य ने जल संरक्षण के क्षेत्र में छात्रों की भूमिका को पहचानते हुए जल दूत नामक एक पहल शुरू की है। इसमें सातवीं से बारहवीं के छात्रों को जल दूत कहा जाता है। झारखंड में भी इसी को देखते हुए जल सेना का गठन किया गया है। सिमडेगा में पत्थर से कूच कर पारा शिक्षक की हत्या। सिमडेगा जिले के जलडेंगा थाना क्षेत्र स्थित कर्मापानी गांव में पारा शिक्षक तुरलेन लुगुन की पत्थर से कूच कर हत्या कर दी गई है। घटना शनिवार देर रात की बताई जा रही है। मृत पारा शिक्षक कर्मापानी गांव के ही रहने वाले थे। वे राजकीय उत्क्रमिक प्राथमिक विद्यालय कर्मापानी बागे टोली में सहायक अध्यापक के रूप में कार्यरत थे। परिजनों ने बताया है कि तुरलेन लुगुन के मोबाइल पर शनिवार की रात लगभग 1 बजे एक फोन आया था। साथ ही उसे शराब पीने के लिए बाहर बुलाया गया। इसके बाद वे घर से बाहर निकले लेकिन वापस घर नहीं लौटे। रविवार की सुबह बांसजोर और जलडेंगा थाना क्षेत्र की सीमा पर स्थित कुरकुरा जंगल में तुरलेन का शव वहाँ के कुछ लोगों ने देखा। इसके बाद इसकी सूचना कर्मापानी के ग्रामीणों को दी गई। फिर ग्रामीणों ने इसकी सूचना पुलिस को दी है। प्रिंस खान के ऑडियो क्लिप की फोरेंसिक जांच कराए प्रशासन। बाघमारा के विधायक ढुल्लू महतो ने कहा है कि गैंगस्टर प्रिंस खान के नाम से 30 मार्च को जारी ऑडियो क्लिप की फोरेंसिक जांच होनी चाहिए। ढुल्लू महतो ने रविवार को राज्य के मुख्य सचिव, मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, उपायुक्त, वरीय पुलिस अधीक्षक को पत्र लिखकर कहा है कि शनिवार को जारी ऑडियो क्लिप की उच्च स्तरीय जाँच हो। उन्होंने कहा है कि यह ऑडियो क्लिप उनके खिलाफ दुष्प्रचार करने के लिए प्रसारित कराया गया है। यह गंभीर अपराध की श्रेणी में आता है। एक सोची समझी साजिश के तहत किया गया कृत्य है। इसके पीछे लोकसभा चुनाव को प्रभावित करने का षड्यंत्र है। इसकी गहन जांच होनी चाहिए। बाघमारा विधायक ढुल्लू महतो और प्रिंस खान पर प्राथमिकी दर्ज। बाघमारा विधायक ढुल्लू महतो पर पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज कर ली है। जमशेदपुर पूर्वी के विधायक सरजू राय और मारवाड़ी सम्मेलन के अध्यक्ष कृष्णा अग्रवाल को प्रिंस खान से मिली धमकी मामले में पुलिस रेस हो गई है। रविवार को धनबाद के एसएसपी एचपी जनार्दन ने जिले के सभी थानेदार व डीएसपी के साथ आपात बैठक कर पुलिस अधिकारियों को कई निर्देश दिए हैं। श्री जनार्दन ने पत्रकारों को बताया कि कृष्णा अग्रवाल के लिखित बयान पर बड़ौवा थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। साथ ही कृष्णा अग्रवाल के घर पर हाउस गार्ड व बॉडीगार्ड उपलब्ध करा दिया गया है। आवेदन में श्री अग्रवाल ने कहा है कि धनबाद से ढुल्लू महतो को उम्मीदवार घोषित होने के बाद बाबूलाल मरांडी से धनबाद को उम्मीदवार पर पुनर्विचार करने का आग्रह मैंने किया था। मैथन बॉर्डर पर 20 लाख की चांदी जब्त, 3 गिरफ्तार। झारखंड पश्चिम बंगाल सीमा पर मैथन पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर रविवार को एक कार से लगभग 36 किलो चांदी बरामद किया है। कार में सवार 3 लोगों को पुलिस ने हिरासत में लिया है। बताया जाता है कि कार पर सवार लोग चांदी को लेकर हजारीबाग जा रहे थे। हजारीबाग में चांदी की डिलीवरी किसे देनी है, इस संबंध में पुलिस उनसे पूछताछ कर रही है। बता दें, पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता से 36 किलो 360 ग्राम चांदी लेकर कार से संजू नास्कर व विक्रमजीत राय हजारीबाग जा रहे थे। सबसे पहले पुलिस को जानकारी मिल रही है कि किसी बड़े आभूषण कारोबारी के पास ये लोग चांदी लेकर जा रहे थे।
चांदी को कार के पीछे सीट में करीब आधा दर्जन से अधिक पैकेट व बंडल बनाकर रखा गया था। दिव्यांग इंटरनेशनल बैडमिंटन खिलाड़ी प्रशांत की हत्या लव ट्रायल में नहीं। जमशेदपुर के बिरसा नगर के अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन खिलाड़ी प्रशांत सिन्हा की हत्या रुपए मांगने पर उसकी प्रेमिका हजारीबाग के लोह सिंगना न्यू एरिया निवासी काजल सुमन ने अपने साथी रौनक कुमार के साथ मिलकर गला दबाकर कर दी थी। हत्या का कारण प्रशांत सिन्हा द्वारा प्रेमिका कायल से रुपए की मांग करना था। प्रशांत सिन्हा हजारीबाग की प्रेमिका कायल पर रुपए लौटाने का दबाव बना रहा था। मिली जानकारी के अनुसार कायल ने झांसा देकर प्रशांत से करीब 20 लाख रुपए वसूले थे। ठगी के रुपए से ही कायल ने हजारीबाग में एक रेस्टोरेंट एडवांस फेयर शुरू किया था जिस पर करीब 20 लाख रुपए खर्च आया था। प्रशांत और कायल ने कई लोगों को झांसे में देकर रुपए लिया है। ज्योति हत्याकांड में चार शूटर गिरफ्तार। जमशेदपुर के सोनारी आस्था हाईटेक सिटी की ज्योति अग्रवाल उर्फ स्वीटी की हत्या के लिए उनके पति सह पलाई कारोबारी रवि अग्रवाल ने 24 लाख रुपए की सुपारी दी थी। पहली सुपारी उसने 8 लाख रुपए में दी थी लेकिन काम नहीं होने पर 7 लाख रुपए शूटर से वापस लिया। फिर दूसरी बार 16 लाख रुपए पर हत्या की सुपारी का सौदा हुआ है। रवि अग्रवाल ने स्वीकार किया है कि उसी ने पत्नी ज्योति अग्रवाल की हत्या कराई है। इसके बाद पुलिस ने उसकी निशानदेही पर उसके पूर्व चालक मुकेश मिश्रा को गिरफ्तार किया। मुकेश मिश्रा की निशानदेही पर पुलिस ने चार शूटर को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार युवकों के पास से पुलिस ने हत्या में प्रयुक्त हथियार बाइक भी बरामद कर लिया है। वित्तीय वर्ष की समाप्ति से पहले सरकार ने खर्च किए 1.04 लाख करोड़ रुपए। झारखंड सरकार वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर अंतिम समय तक करीब 1.04 लाख करोड़ रुपए खर्च करने में सफल रही है। सोमवार दोपहर तक सभी ट्रेजरी से आंकड़ों का मिलान कर अंतिम रिपोर्ट आएगी और तब तक खर्च का आंकड़ा 90% से ऊपर पहुँच चुका होगा। वित्त मंत्री डॉक्टर रामेश्वर उरांव विभाग की उपलब्धियों से खास तौर पर प्रसन्न हैं और कहते हैं कि तमाम उठापटक के बावजूद राज्य सरकार पहले से कहीं बेहतर राशि खर्च कर वित्तीय प्रबंध में बेहतर साबित हो रही है। रविवार की शाम तक समेकित रिपोर्ट तैयार नहीं हो सका था लेकिन तैयार आंकड़ों के अनुसार 88% के करीब राशि खर्च की जा चुकी थी। ज्ञात हो कि विभाग पिछले वित्तीय वर्ष में 91,000 करोड़ रुपये खर्च करने में सफल रहा था। जामतड़ा में 1.5 करोड़ की शराब जब्त। एक्साइज विभाग की टीम ने जामतड़ा के उलबेड़ा गांव में छापेमारी के दौरान भारी मात्रा में निर्मित व अर्धनिर्मित अवैध शराब की खेप समेत शराब निर्माण में प्रयुक्त होने वाली सामग्री बरामद की है। इसकी कीमत करीब 1.5 करोड़ रुपए आकी गई है। रविवार की सुबह 6 बजे छापेमारी को पहुंचे रांची के आबकारी विभाग के ज्वाइंट कमिश्नर गजेंद्र सिन्हा, वहीं एक्साइज कमिश्नर मनोज कुमार, धनबाद के असिस्टेंट कमिश्नर संजय मेहता के साथ साथ 100 से ज्यादा पुलिस जवानों की मौजूदगी में टीम ने छापेमारी की है। छापेमारी के दौरान शराब इस अवैध फैक्ट्री का संचालक मनोज कुमार मंडल और इस धंधे में शामिल गांव का ही रहने वाला पूर्व लखिंद्र मुर्मू पुलिस के हाथे चढ़ा है, जबकि एक अन्य आरोपित गिरिडीह से खुखरा थाना क्षेत्र के हरलाडीह गाँव का डब्लू उर्फ निरंजन मंडल छापेमारी के बीच फरार हो गया है। मेडिकल कॉलेज हड़पने के आरोप में निशिकांत दुबे पर केस दर्ज। देवघर जिले में एक निजी मेडिकल कॉलेज और अस्पताल को फर्जी तरीके से हड़पने के आरोप में भाजपा सांसद निशिकांत दुबे, उनकी पत्नी एवं अन्य के खिलाफ FIR दर्ज की गई है। यह FIR जसीडी थाना में दर्ज कराई गई है। इस मामले में निशिकांत दुबे और उनकी पत्नी अनामिका गौतम को आरोपी बनाया गया। वहीं निशिकांत दुबे ने राजनीतिक बदले की भावना से उन्हें फंसाने का आरोप लगाया है। उनका कहना है कि यदि वह दोषी साबित हुए तो राजनीति छोड़ देंगे। अन्य आरोपियों में राजवीर कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, वीर कुमार अग्रवाल, विमल कुमार अग्रवाल, पुनीत कुमार अग्रवाल, देवता कुमार पांडे के नाम शामिल हैं। बाबा नगरी देवघर को बांधा गया 3 दिन के लिए। विश्व कल्याण के लिए बाबा नगरी देवघर में नगर गंगवाली पूजा का आयोजन मंगलवार को पंडा धर्मरक्षिणी सभा की ओर से किया जाएगा। माता की पूजा से पहले रविवार को मां काली के मंदिर में शरबत चढ़ाकर नगर को 3 दिनों के लिए बांधा गया। इसके बाद मंगलवार तक शहर में रहने वाले लोग बाहर नहीं जाएंगे। अगर किसी को शहर से बाहर जाना भी होगा तो देर रात तक उन्हें वापस आ जाना होगा। सोमवार को सभा की ओर से अध्यक्ष डॉक्टर सुरेश भारद्वाज तथा महामंत्री निर्मल कुमार झा मंटू की अगुवाई में धर्म ध्वज के साथ शोभा यात्रा निकाली जाएगी।
कालीचरण मुंडा ने गुरुजी से आशीर्वाद लेकर शुरू किया चुनावी अभियान। खूंटी लोकसभा सीट से इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार कालीचरण मुंडा ने अपने चुनावी अभियान की शुरुआत करने से पूर्व भगवान बिरसा मुंडा के साथ ही दिशोम गुरु शिवू सोरेन का आशीर्वाद लिया है। रविवार की सुबह खुट्टी से कांग्रेस के प्रत्याशी कालीचरण मुंडा ने पूर्व मुख्यमंत्री गुरुजी शिवू सोरेन के आवास पर पहुंचे, पैर छूकर उनका आशीर्वाद लिया। इस मौके पर गुरुजी ने कहा, विजयी भव। उन्होंने कहा कि वे पूरी ताकत से चुनाव मैदान में उतरे। झारखंड मुक्ति मोर्चा जिला से लेकर प्रखंड और पंचायत तक के एक एक कार्यकर्ता मजबूती से अपने साथ रहेंगे, यह भरोसा दिया है। होमगार्डों की लंबित वेतन शीघ्र करे भुगतान उपायुक्त। होमगार्ड को लेकर रविवार को डीसी हेमंत सती ने बैठक की। डीसी ने बताया है कि जिले में विधि व्यवस्था के काम में लगे होमगार्ड तथा अन्य पोस्ट पर कार्यरत जवानों को प्रत्येक माह में एक दिन का पीट एवं दौड़ से संबंधित प्रशिक्षण दिए जाएंगे। उन्होंने निर्देश दिया है कि होमगार्ड में प्रतिनियुक्त जवानों को लंबित कर्तव्य भत्ता का भुगतान शीघ्र करवाए। साहिबगंज जिले के सभी अंचल में प्रतिनियुक्त वर्तमान में 6 गार्ड से कम करके प्रत्येक अंचल में 4 गार्ड की प्रतिनियुक्ति की जाएगी। वहीं मार्च माह में आए नव नियुक्त महिला गृह रक्षक को विभिन्न स्थानों में जहां महिला गृह रक्षकों की आवश्यकता होगी वहां प्रतिनियुक्ति किया जाएगा। धन्यवाद।